नमस्कार संस्कृत आय संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है मैं हूं सर्वज्ञ भूषण हम लोग गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और दो श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे अब आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे तो ये देखिए संस्कृत गंगा के द्वारा आप गीता का दू, दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार वाचन कर लीजिए दूसरे अध्याय के पहला श्लोक है संजय वाचो तम तथा कृपया विष्टम तम तथा कृपया अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान् बोले

अब तीसरे श्लोक में भी भगवान ही बोल रहे हैं दूसरे श्लोक को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से और तीसरा श्लोक भी यानी दूसरा भी और तीसरा श्लोक दूसरे अध्याय का भगवान कृष्ण कह रहे हैं तीसरा मंत्र है क्लैव्यम मास्म गार्थ क्लैव्यम मास नहीं तत्वी उपपद्यते ते नहीं क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप क्लैव्यमास्म गमः पार्थ नैत त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर बल्यम शुद्रम हृदय दौर्बल तिष्ठ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ यह संबोधन है आपको पता है कि अर्जुन भगवान की माता जो कुंती है उनका एक नाम प्रथा भी है क्या है तो जो प्रथा का पुत्र है वो पार्थ होगा जो प्रथा का पुत्र है वो तो उनकी मां के नाम से बुलाते हैं भगवान कृष्ण की हे पार्थ तो ये भी बड़ी मजेदार बात है देखिए एक बार आपकी कोई बेजती कर देना तो शायद आप सह लेंगे पर कोई मम्मी की बात कर दे तो आदमी कहता है कि देखो हमारी मम्मी पापा तक मत जाना हमारे मम्मी पापा की बात मत करना ठीक है ना तो भगवान कृष्ण वही पकड़ लिए कि पार्थ हो तुम अब कुंती बहुत वीरांगना है कैसी है वो वीरांगना है अच्छा एक बात और महाभारत से मैं आपको बताता चलूं तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी यह युद्ध ना हो इसके लिए भगवान कृष्ण दूत बनकर के गए थे दुर्योधन के यहां याद है तो दुर्योधन माना नहीं बात बनी नहीं श्री कृष्ण भगवान से उनका छत्तीस का आंकड़ा था मानसिक रूप से वो दुर्योधन जानता था कि ये कृष्णवा जो है ये पांडवों के पक्ष का है अच्छा पक्की दोस्ती है अर्जुन से श्री कृष्ण की ये सारा जग जानता था तो दुर्योधन सोचता था कि ये जो भी कहेंगे कृष्ण जी ये उनके पक्ष की ज़्यादा बात करेंगे मेरे पक्ष की कम करेंगे तो इसकी मानसिकता दुर्योधन की कृष्ण के प्रति पहले से ठीक नहीं थी और जिसके प्रति आपकी मानसिकता पहले से ठीक नहीं होती वो चाहे आपके ही हित की बात क्यों ना कर रहा हो सुनाता नहीं है ना जैसे आजकल आप चाहे जिस सपाई से कह दो कि भैया कमल का बोर्ड दो हाथी का बोट दो तुमको पंजा का वोट दे वो मर जाए पर साइकिल नहीं छूटेगी मानसिकता पहले से ऐसी बनी है ऐसे दुर्योधन की मानसिकता ये बनी थी कि भाई साहब ये पक्के साथी हैं कृष्ण भगवान पांडवों के तो ये ये कहने आए हैं कि भाई लड़ाई मत करो आपस में भाई भाई हो ठीक से रह लो आप उनको कुछ राज्य दे दो किसी बात पर राजीनामा नहीं हुआ मैं आपको ये बताता चलूँ कुंती वहीं थी तब कुंती ने आपको ये कहानी महाभारत से पढ़नी चाहिए भगवान कृष्ण से जब बात नहीं बनी दुर्योधन की दुर्योधन उनको पकड़ के बांधना चाह मारना चाह वो बांध भी नहीं पाया क्या मार पाएगा भगवान कृष्ण को ना बंधन बांध पाया ना मार पाया दूत वाक्यम पढ़िएगा उसमें भी बहुत सुंदर सी कहानी है भास ने लिखी है महाभारत पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा मैं संक्षेप में बताता चलूँगी पार्थ शब्द आया है तो वहां प्रथा से भी मिले यानी कुंती से भी मिले कुंती बुआ है श्री कृष्ण भगवान की वसुदेव की बहन है तो ये अपनी बुआ से भाई कोई जाएगा तो बुआ से भी मिलेगा बिदुर के भी घर गए जहां बिदुर के घर जाकर के उन्होंने साग खाया था केले के छिलके खाए थे ये कहानी आपको पता है उस समय कुंती ने ये कहा था कि अर्जुन से जाके कहना कि डरेगा नहीं भागेगा नहीं यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध करना चाहिए कुंती ने ऐसा समझाया था अपना संदेशा दिया था श्री कृष्ण के माध्यम से किसके पास तक पांडवों के पास तक, तक खासकर अर्जुन के लिए इसीलिए अर्जुन जब आज यहाँ युद्ध ना करने की बात कर रहे हैं युद्ध से लौटने की बात कर रहे हैं गांडीव हाथ से गिर रहा है वो कांप रहे हैं उनके सिर में दर्द हो रहा है उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ पार्थ का नाम लेकर के याद दिला रहे हैं कि तुम्हें अपनी माँ की कुछ बात याद है कि नहीं बोलो तो हे पार्थ तुम जिस वीर क्षत्राणी कुंती के पुत्र हो ऐसे ऐसे पुत्र को क्लैव्यम मासमगम तुमको क्लैव्यता को नहीं प्राप्त होना चाहिए ये जो तुम्हारे सारे आचरण है ये क्लैव्यता को प्राप्त होने वाले डरपोक के आचरण है नपुंसकता के आचरण है भाय, आचरण है और जो प्रथा का पुत्र है जो पार्थ है उसके लिए यह उचित नहीं है इसीलिए नीचे कहा न एतत त्वी उपपद्यते अलग अलग कर लो ना एतत वृद्धि संधि होगी एतत माने एतत् कृत्यम ये जो तुम्हारा स्वभाव है ये, 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 ये स्वभाव ये तुम्हारा कर्म ये तुम्हारा गांडियों का हाथ से गिरना तो माने तुम जैसे वीर में ना उपपद्यते थे ये उचित नहीं लग रहा है ये ठीक नहीं है किसने कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पार्थ से कह रहे हैं पार्थ अर्जुन के लिए है और अर्जुन के लिए किससे है उनकी मां प्रथा के नाम से पार्थ कहा तो एक संबोधन पार्थ कहा कि तुम कुंती के पुत्र हो वीरांगना के पुत्र हो वीर क्षत्राणी के पुत्र हो और जिस वीर क्षत्राणी ने तुम्हें इतनी वीरता के साथ पाला हो ऐसे वीर पुत्र को इस प्रकार से कहना की क्लैव्यम तुम क्लेब्यता को नपुंसकता को नपुंसकता वो है जो आदमी भय भयाक्रांत तो हो जाए डर जाए मैं ऐसा नहीं कर सकता वैसा नहीं कर सकता इसलिए क्लैव्यम शब्द को कहा गीता में इतनी तगड़ी बात दूसरे अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने कही है शायद आगे के अठारह अध्यायों में नहीं है इस प्रकार ये एक तरह से बहुत भयावह शब्द है जैसे किसी को कह दें कि साले नपुंसक मत बनो देखे भैया ये हल्का फुल्का शब्द है बड़ा गंभीर शब्द है जो भगवान आप देख लो कि अर्जुन जैसा वीर की क्या स्थिति हो गई कि वो बैठ गया खड़ा तक नहीं हो पाया गांडीव हाथ से गिर गया अर्जुन का तब उनको ये कहना पड़ा तो आप ये देखते हैं कि जब आप को डॉक्टर पहला डोज देता है वो डोज थोड़ा भारी होता है आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और मान लो आपको बुखार है तो पहले दिन कहेगा कि ये दो गोली एक साथ खाना है इसके बाद कल एक सुबह खाना शाम को एक एक खाना क्यों पहले दिन दो गोली का डोज क्यों दे दिया पहले बीमार ज़्यादा है ना पहले हाई डोज देंगे तो ये हाई डोज दे दिया भगवान कृष्ण ने क्लेबियम कह के भगवान कृष्ण ने क्लेबियम कह के हाई डोज दिया चूंकि बहुत बीमार है यहां से जगेगा तो एक तो पार्थ शब्द कहा तो मां की याद दिलाई कि देखो तुम जिस मां के पुत्र हो उसको इस प्रकार की नपुंसकता ठीक नहीं है मां स्मा गमह मां स्मा गमह मत जाओ तो मत जाओ मत प्राप्त हो इस स्थिति को तुम्हें नहीं जाना चाहिए किस स्थिति को इस स्थिति को क्लैब्य क्लैव्यता की स्थिति को तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्यों बोले चूंकि तुम पार्थ हो राइट हो गया प्रथा के पुत्र हो प्रथा पुत्र हो अस, असली वीरांगना क्षत्राणी के पुत्र हो इसलिए हे पार्थ हो क्लाइब्यम मास्म गमहा क्लैव्यम मास्म गमहा तो पार्थ कहने से ही अर्जुन थोड़ा झिझक गए रहे मेरी माँ की बात कर रहे हैं मैं ऐसी माँ का बेटा हूं बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं करना है दूसरी बड़ी बात कह दिया क्लेबियम शब्द भी कह दिया क्लेबियम माने तो नपुंसकता को भी तुम नहीं प्राप्त हो सकते कायरता को नहीं प्राप्त हो सकते इस प्रकार के तुम जैसे वीर को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए तो ये भी बड़े बड़ा मजेदार शब्द हो गया दो शब्दों से इलाज हो गया दो डोज दिया भगवान कृष्ण ने फिर तीसरे में कहते हैं ना ए तत्वी उपपद्यते त्वी सप्तमी का एक वचन तुम जैसे वीर में एतत यह कृत्य गांडीव का हाथ से गिरना शरीर का थर 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 कांपना रथ में जाकर के बैठ जाना ये कहना कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता कोई तुम जैसे वीर में ना उपपद्यते थे ये ठीक नहीं है कोई डरपोक आदमी लड़ाई झगड़ा देख करके भाग जाए युद्ध क्षेत्र में जा कर लड़ाई झगड़ा से तू भागो समझ में आता है भाई नहीं लड़े हैं कभी नहीं लड़ाई झगड़ा किए हैं तो बेचारा लड़ाई झगड़ा से भागेगा क्यों पर जो वीर है जो क्षत्रिय है जिसको हमेशा लड़ना ही जिसका परम सौभाग्य है ऐसे लोगों को युद्ध क्षेत्र से अर्जुन जैसे वीर को युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भागना उचित नहीं है इसीलिए कहा त्वई न उपपद्य त्वि ना उपपद्य एक बार युधिष्ठिर कहें कि ऐसा भैया निकल ले का लड़ाई झगड़ा कर युधिष्ठिर का स्वभाव थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव है थोड़ा आध्यात्मिक स्वभाव है थोड़ा खून खच्चर से भागने का स्वभाव है वो थोड़ा मिला जुला के चलने का स्वभाव है ना पर ये युधिष्ठिर नहीं है जिनको समझाया जा रहा है ये अर्जुन है जो बात-बात में ताल ठोंक दिया करते थे जो बात-बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाया करते थे जिनका नाम सुन करके लोग लो हार मान लेते थे बोलिए बस अर्जुन आ रहे हैं इस बात से विजय की गारंटी हो जाया करती थी तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं त्वय न उपपद्यते ये तुम में ठीक नहीं लग रहा है युधिष्ठिर में हो सकता है ठीक लगता बोलिए हां जो संत स्वभाव के हों साधु स्वभाव के हों सज्जन स्वभाव के हों आध्यात्मिक स्वभाव के हों या ये कह दें कि भाई सामंजस्य बनाने वाले लोग हों या सीधी सीधी बात करें तो डरपोक स्वभाव वाले लोग हों चलो उनको युद्ध क्षेत्र से भागना समझ में आता है तो न उपद्य तुम्हें ठीक नहीं लग रहा बोलिए हाँ तुम में ठीक नहीं लग रहा है आप समझ में आए अब जैसे मान लो योगी जी टोपी पहनने लगे जालीदार जालीदार टोपी योगी जी पहन ले तो आप ये कह सकते हैं कि योगी जी आपको नहीं सूट कर रहा है ये आपको अच्छा अखिलेश चच्चा को बोले अच्छा लगे थोड़ा तो ना उपपद्यते मैं समझाने के लिए कह रहा हूं डीके भैया समझिएगा इधर से इधर नीचे तक का भगवा और ऊपर सफेद टोपी तो आप ये कह सकते हैं योगी जी देखिए आप में अच्छा नहीं लगता ये आपको सूट नहीं करता भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे तो ना उपपद्यते तुम्हें ठीक नहीं लगता ये तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे योद्धा को तुम्हारे जैसे वीर पराक्रमी को तुम्हारे जैसे गांडीव चलाने वाले को तुम्हारे जैसे धनुर्धारी के लिए मैं नहीं लड़ूंगा मैं यहां से भाग जाऊंगा मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोले ये तुम में शूट नहीं करता ये तुमको ठीक नहीं लगता आप समझ में गई बात बोले क्लैब्यम पार्थ नहीं त्वी उपपद्यते अच्छा और क्या चीज़ है बोले ये देखो कोई आदमी वीर है कोई आदमी डरपोक है वीरता और डरपोकता का उसकी सोच और उसके हृदय उसके दिल उसके दिमाग उसके विचारों से शाइड होता है बोलिए हाँ तो ये जो अर्जुन ये कह रहा है कि मैं नहीं लड़ सकता मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ मुझे लड़ाई नहीं करनी मुझे यहाँ से ले चलिए तो ये उसके हृदय की दुर्बलता है कि नहीं तो भगवान कृष्ण तुरंत पकड़ लिए बोले हृदय दौर्बल्यम कह क्या है तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है ये हार्दिक दुर्बलता है ये हृदय देखिए अर्जुन में वीरता कम थी क्या नहीं ये वीरता की कमी नहीं है यह हृदय का दौर्बल्य है हृदय दौर्बल्य है माने दिल की दुर्बलता है सोच की दुर्बलता है विचारों की दुर्बलता है हाँ ना बोलना सुकुल जी इसीलिए भगवान कृष्ण हृदय दौरबल्यम कहा और उसका एक विशेषण दिया कि हृदय दौर्बल्यम भर नहीं है क्षुद्रम है ये दुर्बलता भी क्षुद्र दुर्बलता है हाँ क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम थोड़ा तो विचार करिएगा इसीलिए गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है हर शब्द इसका विचारणीय है और खास कर जो भगवान श्री कृष्ण के वचन हो सात सौ श्लोकों में ज्यादातर श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सवाल करता जाता है अर्जुन और उसका जवाब देते जाते हैं कौन श्री कृष्ण तो जब वो कह, वो कहता है कि हम कैसे लड़ाई लड़ें तब भगवान कृष्ण ने यही कहा ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है तुम्हारे वीरता की कमी नहीं है तुम्हें वीरत्व तो कम हो गया कि तुम तुम जो है वीर नहीं हो ऐसी बात नहीं है ये तुम्हारे सोच की कमी है ये तुम्हारे विचारों की कमी है ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है ये तुम्हारे सोच की दुर्बलता है और कैसी दुर्बलता बोले क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम इसको त्यक्त्वा उत्तिष्ठ इसको त्यक्त्वा उत्तिष्ठ अर्जुन अर्जुनमा बैठा है डी भैया खड़ा नहीं है तो बैठे आदमी को पहली तो चैलेंज श्री कृष्ण भगवान के यहाँ है कि ससुरा खड़ा तो हो बैठे बैठे कसके लड़े पहला अध्याय पढ़िएगा जहां अर्जुन रथ पे बैठ गए अर्जुन खड़े नहीं क्या बैठ करके लड़ाई लड़ी जाएगी खड़ा तो होना पड़ेगा जब खड़ा तब हुए कृष्ण भगवान कहे धनुष उठावो बाढ़ चढ़ाओ धनुष उठाना बाढ़ चढ़ाना तो बात की बात है पहले तो पहले तो यही चैलेंजिंग वर्क है कि उत्तिष्ठ पहले खड़ा, खड़ा हो खड़े नहीं रहे बैठ गए तो जैसे मान लो वृदा बैठ जाए चला चला तुम पहले पहले वृद्धा से हर जोता जाता रहा है डीके और बैठा ना वहाँ वृद्धा जब बैठ जाए तो किसान पूछ मु मुरेर, मुरेर रुका कहा ठाड़ पहले ठाड़ तो हो तब फिर चले अर्जुन बैठ गए इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा उत्तृष्ट क्या कहा हाँ नकुर पानी, हा, पानी डाल रहा भगवान कृष्ण काने में पानी डाल रहे बातों से सुना सुना करके पार्थ कहा और पार्थ के साथ परंतप भी कहते हैं दो विशेषण है दोनों अर्जुन के लिए पार्थ माने प्रथा के पुत्र हो और परंतप हो अर्थात तुम्हारा नाम ताप देने वाला है शत्रुओं को जिसके नाम से लोग लगे ऐसे तुम परंतप हो अब देखिए इस तरह की बातें भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि शायद जोश आ जाए और इस समय अर्जुन को सिर्फ उत्साह की कमी है जोश की कमी है विचारों की कमी है सोचने की कमी है हृदय की दुर्बलता है इसीलिए भगवान कृष्ण जहां पे प्रहार कर रहे हैं वो सही से पकड़ गए हैं कि वास्तव में मर्ज क्या है बीमारी क्या है इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम देखो तुम परंतप हो अर्थात ताप देने वाले हो परमाने शत्रुओं को शत्रु तुमसे तपते हैं तुम्हारा नाम सुनकर डरते हैं भयभीत होते हैं और तुम ही चले जाओगे तब तो यहां युद्ध वो जीत लेंगे बोलो हे परंतप हे पार्थ हे शत्रुओं को ताप देने वाले हे प्रथा के पुत्र इस हृदय क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम को त्यक्वा और जब तक तुम हृदय की दुर्बलता को छोड़ोगे नहीं तब तक खड़े होगे नहीं जब तुम्हारे मन में तुम्हारे विचारों में यह आ जाए कि नहीं यार मैं कर सकता हूं ये हृदय दुर्बलता है कैसी हृदय दुर्बलता क्षुद्र हृदय दुर्बलता तो बोले क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तिष्ठ पर तप त्यक्तोत्तिष्ठ पर तो त्यक्वा और उत्तिष्ठ त्यक्वा के वा में आ है आगे उत्तिष्ठ है आ उ मिलकर के गुण हो गया त्यक्तोत्तिष्ठ हो गया न त्यक्वा धन उत्तिष्ठ उत्तिष्ट है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन त्याग करके उठो जब तक क्षुद्रता हृदय की क्षुद्र हृदय दुर्बलता को त्यागोगे नहीं तब तक उठोगे नहीं तो हम इसी श्लोक के माध्यम से सुनने वाले सभी साथियों को कह दें भगवान कृष्ण की भाषा में कि आप भी अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय कार्यों के लिए सांस्कृतिक कार्यों के लिए संस्कृत के कार्यों के लिए क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ वरना इस महाभारत के युद्ध में हारना तय यदि इस महाभारत के युद्ध से अर्जुन चला जाता तो उसी दिन रिजल्ट आ जाता तो हम सभी गीता पढ़ने वाले अपने अर्जुनों से ये कह दें कि अय पार्थों अय अपनी अपनी माँ के बेटों और अय परंतप, अय परम तपस्वी और शत्रुओं को ताप देने वाले आप सभी संस्कृत के योद्धाओं से वीरों से मैं ये कह दू भगवान कृष्ण की भाषा में कि ये लाइन देखना कि क्लैव्य महापार्थ हो नपुंसकता को मत प्राप्त हो कि संस्कृत में क्यों पढ़ूं क्या हो जाएगा संस्कृत पढ़ने से क्या होगा हम क्यों ये पढ़े हम ही काहे लिखे हम ही काहे पढ़े हम इन काहे रटे तो हम तुमको बता दें गीता के इस श्लोक पढ़ करके कि ये क्लैव्यता तुम्हारे में अच्छी नहीं लगती नहीं तत्व ये कोई भारत में पैदा हुआ भारतीय कहे कि मैं गीता क्यों पढ़ूं मैं संस्कृत क्यों पढ़ूं ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता ये, ये वो भारत की धरती है जिस भारत की धरती में लोग संस्कृत के श्लोक युद्ध क्षेत्र में सुना करते थे लड़ाई के लिए दोनों ओर से सेनाएं खड़ी हैं और कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश हुआ है उस देश के आप वासी हैं ऐसे में आपका ये कहना कि मैं शास्त्री क्यों करूं मैं आचार्य क्यों करूं मैं बी एम क्यों पढ़ूं मैं संस्कृत ही क्यों पढ़ूं मैं मास्टर क्यों बनूं संस्कृत से क्या होगा संस्कृत पढ़ने से मेरा क्या लाभ है कुछ नहीं मिलता तो नई तत्व ही उपपद्य ये में शोभा नहीं देता कोई पाकिस्तानी कहे कि हम गीता नहीं पढ़ेंगे चलेगा कोई रूस वाला यूक्रेन वाला कहे कि भैया मुझको नहीं पढ़ना चलेगा पर ये ये भारत की धरती श्री कृष्ण की धरती है ये राम की धरती है बुद्ध की धरती है गौतम की धरती है आचार्य सुश्रुत और चरक की धरती है यहाँ आप ये ना कहें नहीं नई तत्व तो ये तुम्हें ठीक नहीं लगता तो आप ये कहें कि नहीं तो ब्राह्मणों की भाषा बामन पढ़े छत्री भाषा छत्री पढ़ें हम यादव हैं समाजवादी वाले हम काहे पढ़े कोई कहे कि भाई हम बी वाले हैं हम काहे पढ़ें कोई कहे कि हम प्रियंका गांधी वाले हम काहे पढ़ें कोई वाले नहीं आप भारत वाले हैं आप भारतीय हैं इसलिए आपको यह ज्ञान पढ़ना चाहिए दुनिया को पढ़ाना चाहिए बताना चाहिए आपके अंदर भी यदि क्षुद्र हृदय दुर्बलता भर गई हो तो उसको त्यक्वा उत्तृष्ट उसके छोड़ के खड़े हो जाओ और जिस दिन हर अर्जुन खड़ा हो गया भाई साहब जिस दिन क्षुद्र हृदय की दुर्बलता छोड़ करके प्रत्येक अर्जुन खड़ा हो गया उस दिन हमारा भारत देश भी खड़ा अभी भी खड़ा है अभी भी बहुत सारे अर्जुन हैं जो युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं तो हम अपने सभी अर्जनों से यही कहेंगे कि अपनी क्षुद्र जातिगत दुर्बलता को छोड़ करके धर्मगत दुर्बलता को छोड़ करके या जातिगत जितने भी क्षुद्र दुर्बलताएं आपके हृदय में भरी हैं, दिल में भरी हैं, मन में भरी हैं, ये ससुरा बामन है ये सवर्ण है ये ओबीसी है ये एस है ये एस है ये हमको सताया है ये मारा है ये ये किया है वो किया फलाना ढमका इन सब क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम को त्यक्वा उत्तिष्ठ और गीता को पढ़िए यहाँ तक कर लेंगे श्लोक समझ में आ गया तो बोले मास्म गमह नहीं तत्वी उपपद तो न ए तत्वी के या में ई है ई के स्थान पर यह हो गया आगे ऊ आ रहा था यण संधि हो गई ई के स्थान पर यह तो नहीं नैतत्वय उपपद्यते एक उपपद्यते क्रिया है एक उत्तिष्ठ क्रिया है एक ना उपपद्यते ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हें सूट नहीं करता तुम्हें उचित नहीं लगता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और हृदय क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्वा उत्तिष्ठ एक उत्तिष्ठ क्रिया पद है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात अपने हृदय की जो क्षुद्र दुर्बलता है ऐसे क्षुद्र नीच निकृष्ट क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ करके खड़े हो जाओ हे परम तप हे परम तपस्वी हे परम साधक हे शत्रुओं को तपाने वाले आपको खड़े हो जाना चाहिए कर लेंगे तो मित्रों आज के लिए इतना ही यदि गीता का श्लोक आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथियों को खासकर दादा परदादा दादा दादा नानी चाचा काका काकी सबको शेयर करिएगा और इससे जो सीखने लायक बात हो उसे सीखिएगा जरूर वरना श्लोक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा श्लोक पढ़ने का मतलब तो तब होता है जब श्लोक की कुछ बातें हमारे हृदय में धस जाए वरना ये श्लोक तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए सुनाया था यदि आप भी अर्जुन बनकर के इसे सुनना चाहते हैं और आप भी मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं तनाव से ग्रस्त हैं अर्जुन जैसी मानसिक द्वंदता में ग्रस्त हैं तो फिर ये श्री कृष्ण के वचन आपके लिए औषधि के लिए होंगे प्रत्येक मनोरोगी के लिए गीता का यह श्लोक एक एक मंत्र एक एक टेबलेट के समान है और 700 दिन का यह कोर्स आपको निश्चित रूप से अर्जुन की तरह वीर योद्धा बना करके इस जिंदगी के रण में जीत दिलाएगा यह जीवन महाभारत है और इस जीवन रूपी महाभारत में लड़ने के लिए आपको कोई ना कोई तो श्री कृष्ण चाहिए और वो श्री कृष्ण जो आपको इस महाभारत के युद्ध में विजय दिला दे लास्ट में हैं कि यत्र योगे यत्र पार्थो तत्र भूतर यही कहेंगे यत्र आपके जीवन में भी ये श्री कृष्ण भगवान के श्लोक आज भले ही भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आपको उपदेश ना दे रहे हो लेकिन भगवान कृष्ण के ये श्लोक तो हैं आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तो हम अपने सभी साथियों से उनके दादा परदादा जो लोग भी हों गीता पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन आपको सुबह आठ बजे बैठ जाना चाहिए ये मान करके कि भगवान कृष्ण के कुछ वचन जो हमारी जिंदगी को आगे नई दिशा देंगे तो हम सभी अपने उन साथियों से कहेंगे जो द्वंद में है जो जो द्वंद में है ये करूं कि वो करूं द्वंद में अर्जुन है लड़ूँ कि ना लड़ूँ मैं लड़ाई लड़ूँ कि ना लड़ूँ ना लड़ूँ तब तो आज आपके आप अभी के, आप के अभी हार गए और लडूं तब तो देखा जाएगा कि भाई लड़ूंगा तो दो संभावनाएं होंगी या जीतूंगा या हारूंगा लड़ेंगे तभी तो होगा या तो जीतेंगे या तो हारेंगे ना लड़ने पर तो एक ही चीज फिक्स है कि हारेंगे हारेंगे और सिर्फ और सिर्फ हारेंगे ना लड़ने का रिजल्ट तो ओपन है पर लड़ने के रिजल्ट में फिर आगे देखा जाएगा कि कौरव जीतते हैं कि पांडव जीतते हैं तो जिंदगी को जैसे वो लोग हार जाते हैं बीच में जो फांसी लगा लेते हैं अरे भाई जीना चाहिए क्यों फांसी लगा रहे हो क्यों जहर खा रहे हो क्यों आग लगा रहे हो पहले तो जिंदगी को जीना सीखो फिर तो बात में है कि सुख आएगा कि दुख आएगा तो फिर जो सुख आएगा सुख भी मेरा दुख भी मेरा इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये ये कभी सलाह नहीं दिया कि लड़ो मत लड़ो ये नहीं कहे कि तुम लड़ो तुम मैं हूं ना जिताऊंगा नहीं कभी भी नहीं कहा पूरे गीता को पढ़िए उन्होंने कहा कि लड़ो फिर हार होगी कि जीत होगी बाद में देखा जाएगा तो हम भी अपने सभी साथियों से कह दें कि तिष्ठ पर क्या त्यक्तवा क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम और लाइन याद रखने ला जहां आप पढ़ते हैं वहां पर लिख लीजिए हृदय दौरबल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ पर आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी भगवान श्री कृष्ण की पंक्ति है कि जब भी हृदय दुर्बल हो आपका जब भी आपके हृदय में क्षुद्र दुर्बलता भर जाए तो ये लाइन पढ़ लिया करो कि भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपो है परम तपस्वी है परम साधक है शत्रुओं को डराने वाले शत्रुओं को ताप देने वाले अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ और दो बातें मैंने आपसे बताई कि एक तो उन्होंने उनकी मम्मी की याद दिलाई और डी के भैया कोई तुम्हें गरिया दे चलेगा चलो हमको गरिया दिए पर मम्मी की जहां बात याद आ गई मम्मी की बात जहां आ जाएगी तो फिर आप मेरे ख्याल से पीछे नहीं रहेंगे कि देखो भाई साहब सब सही है लेकिन गुरु मेरी आप अपनी पत्नी को सास को कुछ कह के देखो महाभारत हो जाएगा पक्का महाभारत बिल्कुल डीके सही कह रहे आप कभी ससुर को कुछ कह के देखो देखो तुम्हारी पत्नी कहती है कि देखो हमका जो उनका है को कई ले हो तो जो हमारे मम्मी पापा का कहे तो फिर सब ठीक देखा कोई ना डीके सही बात है भगवान कृष्ण ये पकड़ लिए वही कहती तो उन्होंने पार्थ याद दिलाया कि तुम प्रथा के पुत्र हो किसके पुत्र हो मां की याद दिलाई तो पार्थ और ये परंतप दोनों बहुत अच्छे संबोधन है जो भगवान कृष्ण ने कहे और तो बाकी सब बातें बात है उन्होंने क्लैब्यम कहा गता को आज ये युद्ध क्षेत्र से भागना तुमको क्या लगता है कि वीरता है लड़ाई लड़ने के लिए सामने दोनों सामने आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं ऐसे में आप कह रहे हो हम नहीं लड़ेंगे तो क्लैब्यम नहीं तो क्या वीरत्म है इसलिए भगवान कृष्ण ने इतना कठोर शब्द प्रयोग किया कि क्लैब्यम मासम पार्थ है प्रथा के पुत्र प्रथा के पुत्र इस क्लैब्यता को मत प्राप्त हो तो मम्मी के नाम के साथ कि अर्जुन ना अर्जुन में अर्जुनत्व का बोध होता है उनका खुद का बोध होता है मैं अर्जुन और पार्थ से प्रथा का पुत्र अर्जुन यह बोध होता है दोनों में बहुत अंतर है बेटवा गांव में लोग कहते हैं हे फलानवा के बेटवा फलानिया के बेटवा तो जब बाप का नाम आपके साथ जुड़ जाए जब मां का नाम आपके साथ जुड़ जाता है तो जो असली बेटा होता है जिसमें थोड़ा स्वत्व होता है स्वाभिमान होता है वो अपने लिए नहीं लेकिन अपनी मां के लिए मरता है वो हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भारत को अपनी मां समझता है इसीलिए वो सर कटा गया इसीलिए वो फांसी पे लटक गया इसीलिए उनको अपनी कुछ नहीं पड़ी चाहे वो भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो क्यों बात मां की थी बात भगवान कृष्ण ने माँ को पकड़ लिया पार्थ कह दिया पार्थ ये क्षुद्रता तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये क्लैप्यता तुम्हें अच्छी नहीं लगती राइट हाँ तो आप किसी की देखो माँ की रवि तो सोचते हैं इसीलिए वो ईश्वर है इसीलिए भगवान वो जानते हैं कि ये मर्ज कहाँ से पकड़ा जाएगा और अभी भी देख लीजिए इस घोर कलयुग में घोर कलयुग में उपाध्याय आप उपाध्याय को कुछ कह लो चलेगा पर की मम्मी को कह दो दे कि देखो तुम्हारी मम्मी घर पर है आप कहते सर हम घर गड़बड़ है हमको कहते हमारी मम्मी को कुछ कहते <laughs> आदमी हर्ट होता है भीतर से असली माँ का जो पुत्र होगा वो अपनी माँ की बेज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा और भगवान कृष्ण ने वही प्रहार किया कि तुम प्रथा के पुत्र हो इसलिए तुम्हें इस प्रकार की इस प्रकार का नपुंसकता कायरता ना एक तो एक लेब्यम कहा और फिर तो इना उत्पादित इसलिए गीता का हर श्लोक इतना गंभीर है कि यदि हम लोग सिर्फ एक श्लोक पर प्रवचन करते रहें बात करते रहें तो इतनी गंभीर गंभीर बातें हैं कि बहुत समय चला जाएगा क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे साथियों को परीक्षा भी देनी है फिर कभी जब आप बूढ़े हो जाएंगे हम भी बूढ़े हो जाएंगे आफ्टर फिफ्टी वानप्रस्थ जीवन में जब प्रवेश करेंगे तो हम लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे अभी अंडर फिफ्टी आपकी परीक्षा को भी ध्यान में रख के बात करते हैं पचास साल तक गृहस्थ जीवन होता है पचास के बाद वानव होता है तो वानव में आपको अवश्य रूप से रामायण गीता महाभारत पुराण इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए मैं तो अभी से शुरू कर दिया हूँ इसीलिए इस गंभीर श्लोकों को देख करके लगता है कि पढ़ते रहें पढ़ते रहें कभी मन नहीं गाता आज के लिए इतना ही तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस श्लोक के बाद जो क्लैव्यता आपके अंदर होगी वो आप में उचित नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप एक अच्छे भारतीय हो भारत मां की संताने और एक अक्षय भारती के लिए क्षुद्र हृदय दुर्बलता क्षुद्र हृदय दुर्बलता उसके दिल में भरी हो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा मैं नहीं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के वचन है आप तक पहुंचाने का दायित्व तो मेरा है भगवान कृष्ण तो यही कहते हैं कि भैया निमित्त मातरम भव सभ्य साचिन तो मानो भगवान हमें कहते हैं कि निमित्त मातरम भव सर्वज्ञ भूषण तुम निमित्त बनो गीता पढ़ाने के लिए बाकी तो ये सारे वचन भगवान कृष्ण के ना मैंने लिखा और ना मैं बोल रहा हूँ भगवान व्यास ने लिखा है और ये श्री कृष्ण के वचन आप तक पहुंचा रहा हूं यदि बात आपको सटीक और सही लगे तो आज के युग में भी 2022 में भी ये गीता उतनी ही सटीक है जब ये कहा जा रहा है कि क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपो ये वाक्य आप तक भगवान कृष्ण के मैं पहुंचा रहा हूँ कि आप भी अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके भारत माँ के लिए खड़े हो जाइए के के लिए खड़े के लिए खड़े हो लिए लिए खड़े हो हो जाइए अपने समाज और सिर्फ जीत होगी सिर्फ और सिर्फ आप विजयी होंगे क्यों क्योंकि आपके साथ गीता आपके साथ भगवान श्री कृष्ण है इसलिए आखिरी वचन बोलते हुए कि क्लैब्यम मास नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम परंतप नमः संस्कृताय